Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. Chapter number 18 Public Finance in India को आज हम continue करने के लिए जा रहे हैं और आज जो topic पढ़ाऊंगा मैं आपको वो होगा limiting government expenditure कि किस तरह से government के खर्चों को हम limit लगा सकते हैं और एक topic और पढ़ेंगे output outcome framework. ये दो टॉपिक आज हम हमारी क्लास के अंदर करने के लिए जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा मेक श्योर दोस्तों आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देख ली हो क्योंकि जो वीडियोस अब आ रही है ना वो सारी लिंकिंग चेन के हिसाब से अगर आपने एक भी वीडियो छोड़ दी तो दिक्कत हो सकती है तो प्लीज पहले आप पीछे की वीडियो जरूर देख लें तो आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा अगर आपने बीच में कोई वीडियो भी स्किप कर दियो तो भी आपको समझ आए बट फिर भी ऐसा होता ना कि अगर आप पीछे से कंटिन्यूशन में देखोगे तो चीज आपको ज्यादा क्लियर होंगी. ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है. अच्छा पहली बात ये टॉपिक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. देखो टॉपिक क्यों जरूरत है क्या है क्यों है ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. देखो बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर जब हम बजट बनाते हैं तो हमारे खर्चे एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं और यही रीजन है कि हमारे गवर्नमेंट के जो बजट है उसमें जो लॉस है यानी जिसको हम डेफिसिट बजट बोलते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होने शुरू हो गए. और ऐसा नहीं कि वो एक दो सालों लगातार कई सालों तक हमने जो है अपने पास डेफिसिट बजट देखे हैं. डेफिसिट का मतलब क्या हुआ जहां गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करती है और रिसीट कम होती है. बट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट क्या हवाला देती है कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप बनाने के लिए भैया खर्चा तो करना ही पड़ेगा और खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नमेंट बजट वो नेगेटिव में आएगा. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपनी कमियों को छुपाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं. अब वो कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हमें यहां पर उजागर करना पड़ेगा कि वो कौन-कौन सी कमी हमारे भारत देश के अंदर है जिसके चलते हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो यहां नेगेटिव में होता हुआ हमें नजर आ रहा है और किस तरह से जो हमारी गल्फ कंट्रीज चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे यूरोपियन नेशंस हो या कोई भी ऐसी कंट्री उन्होंने अपने गवर्नमेंट बजट को किस तरीके से सरप्लस के अंदर दिखाया. उनका डेफिसिट क्यों नहीं आता हां हमारे डेफिसिट आता है तो उसके पीछे क्या रीजन है उन्होंने क्या रणनीति अपनाई हम क्या अपनाते हैं हम इन सब चीजों के यहां पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. पहले अब इस टॉपिक का हेडिंग के बारे में सुन लो. लिमिटिंग का मतलब क्या होता है लिमिट लगा देना गवर्नमेंट के खर्चों पे तो इससे जो गवर्नमेंट बजट है वो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल में आ सकता है. देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है इंडिया के अंदर वो क्या करती है अपने अलग अलग इंटरेस्ट से आती है. अलग अलग इंटरेस्ट का मतलब होता है हर गवर्नमेंट का अपना एक अलग ही विजन होता है देखने का. कुछ गवर्नमेंट काम करने के मकसद से आती है कुछ अपना सिर्फ नाम करने के मकसद से आती है. जो कंपनियां या जो कंपनियां नहीं बोलनी चाहिए बल्कि जो जो पार्टीज ये सोचकर आती है कि उन्हें इलेक्शन में अपना नाम फेम फैलाना है ऑब्वियस सी बात है वो खर्चा हमेशा किस पर करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा नहीं करेंगे. तो ऐसे में हमारा गवर्नमेंट बजट तो डेफिसिट में आना है और ऐसा हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन होता है ना गवर्नमेंट उस तरीके से काम करना पसंद करती है और अगर उनका विजन ही है देश को खोखला बनाना और अपने आप को मजबूत बनाना तो वहां पर देश चौपट होना ऑब्वियस ही बात है. अब यहां पर क्या बोला गया कि जैसे गवर्नमेंट जब बजट ज्यादा कर लेती है तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने पास अपने खर्चों को ज्यादा कर देती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है. अब जब टैक्सेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं. अच्छा गवर्नमेंट कुछ नहीं तो बाहर से बोरिंग्स कर लेती है तो भाई बोरिंग करना गलत चीज नहीं है लेकिन जब हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो ऑब्वियस होता है हमारा खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इन सब चीजों के चलते अब हमें जरूरत है कि स्ट्रांग सॉल्यूशन की कि आखिर वो क्या रीजन है जिनसे हम अपने खर्चों को यहां पर कम कर सके. दोस्तों ये चीजें हमने अपने बाहर से सीखी बाहर से क्या सीखे मैं आपको बताता हूँ. तीन चीजें थ्री वेरिएंट्स है ना. अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है जो जितनी चीजें दे रखी है ना क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर यही चीजें घुमा फिरा के सुनते हुए आ रहे हैं. अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड के पास जब उनका गवर्नमेंट बजट नेगेटिव में आता था वो कैसे सिचुएशन को टैकल करते थे अब हम वो पढ़ते हैं. देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि इट वॉज न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस सच एज अ लीगल बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पावर ऑफ मनी क्रिएशन. साफ साफ लिखा न्यूजीलैंड वो पहली कंट्री थी जिसने अपने देश में अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल बाउंडेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी कि इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा खर्चा किया तो कहीं ना कहीं उससे हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में आ जाएगा और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा बजट डेफिसिट में और हमें एक्सटर्नल बोरिंग्स करने की यहाँ पर जरूरत पड़े. तो उन्होंने अपने खर्चों पर एक लिमिट बना दी और ये लिमिट सबसे पहले किसने बनाई थी न्यूजीलैंड ने बनाई थी और उस न्यूजीलैंड को देखते देखते बाकी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को अपनाना शुरू किया. देखो आगे क्या लिखा हुआ है हियर द सेंट्रल बैंक इज लीगली बाउंड टू एंश्योर दैट मनी क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट डज नॉट हैज इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट. याद रखना जब न्यूजीलैंड ने ये काम किया तो यहाँ पर उनकी जो सेंट्रल बैंक थी जैसे हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई ना वैसे जो न्यूजीलैंड की सेंट्रल बैंक थी उनको साफ साफ बोल दिया गया कि आप इकोनॉमी के अंदर जो भी काम करोगे इस तरीके से करोगे कि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है उसको कोई हिट ना करे. मतलब अगर हम ये चाहते हैं इन्फ्लेशन 4% से रहे तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट खर्चे इतने सारा कर दे कि हमारी इन्फ्लेशन रेट 4 से बढ़कर 14% हो जाए.
ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें अपने खर्चों को इस तरीके से लिमिट करना है कि उसका इंपैक्ट हमारे इन्फ्लेशन टारगेट पर ना पड़े और जो हमारा टारगेट है वो भी अचीव हो जाए, खर्चे भी कम से कम हो जाए। और उसकी देखा देखी में हमने देखा कि जब ये काम होने शुरू हुए तो न्यूजीलैंड के अंदर जो बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वो भी एक लिमिट से बढ़ना शुरू हो गया और इकोनॉमी सुधरना शुरू हो गई। तब हमने न्यूजीलैंड से जाना कि अगर हम सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं और सरकारों को बोल दें इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते हो तो सरकारें सही तरीके से यहां पर काम कर सकती है। तो हमें एक न्यूजीलैंड का एग्जांपल मिल गया जिससे हम बहुत चीजें सीख सकते थे। देखो सीखने के लिए कई सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन बात ही होती है कि एग्जांपल सुनना अलग चीज होती है, अमल करना अलग चीज होती है। तो भारत ने एक तो न्यूजीलैंड की देखी कि हमें न्यूजीलैंड में क्या चला है। फिर इंडिया के पास एक और ऑप्शन था जिसको हम बोलते हैं सेकंड वेरिएंट। अब ये सेकंड वेरिएंट क्या था, सेकंड वेरिएंट में ये बोला गया कि आप एक काम करो, आप अगर लिमिट बनाओगे तो भाई अपने लिए लिमिट तो हर बंदा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बनाएगा ताकि खर्चे ज्यादा करने पड़े। आप इस लिमिट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भारत का संविधान होता है उसके अंदर संवैधानिक तरीके से बता दिया जाए कि इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। और अगर आपने करने की कोशिश की तो आपको पहले अपनी पब्लिक यानी पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा से इस चीज को पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस बड़े बड़े खर्चे को यहां पर कर सकते हो। देखो जर्मनी में क्या होता है, हम जर्मनी का एग्जांपल देख रहे हैं। जर्मनी और चिली के अंदर ऐसा अरेंजमेंट किया गया था जिसके अंदर अगर हम बात करें अगर कोई फिस्कल यानी कोई खर्चा गवर्नमेंट करती है और वो प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा करती है तो ऐसे में वो अपने पार्लियामेंट से पूछती थी क्या अब हम एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं और वो बकायदा रीजन बताती थी कि एक्स्ट्रा खर्चा हम किन किन जगहों पर करना चाहते हैं, वो बकायदा हर चीज बताती थी। और ये सब हो पाया जब हम मैस्ट्रिच ऑफ ट्रिटी, अब आप बताओ ये मैस्ट्रिच ऑफ ट्रिटी आपने कहां पढ़ा था। इसका आंसर जिसने भी मुझे सही दे दिया मैं मान लूंगा कि उसने इकोनॉमिक्स की जितनी भी हमारी क्लासेस देखी वो बहुत अच्छे से देखी। ट्रिटी ऑफ मैस्ट्रिच, बस मैंने इतना बोला क्या, ट्रिटी ऑफ मैस्ट्रिच। किसी को कुछ याद आ रहा हो तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, आज नहीं बहुत टाइम पहले बताया था बट इसी बुक के अंदर बताया था, ठीक है। तो इस मैस्ट्रिच ट्रिटी के अंदर जर्मनी की गवर्नमेंट और जो चिली की गवर्नमेंट है इन्होंने क्या बोला कि अब हम जो अपने पास लिमिट लगाएंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि देश के स्ट्रक्चर के हिसाब से, देश की जीडीपी के हिसाब से, देश की ग्रोथ के हिसाब से कितना खर्चा की लिमिट उसको एंश्योर करनी, क्योंकि हर साल खर्चे की लिमिट क्या होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तीसरा बोला गया करेंसी बोर्ड को लेकर। आज ये करेंसी बोर्ड का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉरेक्स होता है, फॉरेन करेंसी को के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है आपका हाइब्रिड, ठीक है। फिक्स में क्या होता है, सरकारी डिसाइड कर लेती है अगले एक साल तक फॉरेक्स का जो प्राइस है वो कितना होगा। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, मार्केट प्राइसेस जो डिमांड और सप्लाई होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और हाइब्रिड सिस्टम जिसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं उसके अंदर सरकारें भी डिसाइड करती हैं और मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करती हैं। सरकारें मतलब आरबीआई डिसाइड करती है और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से भी काम चलता रहता है। तो यहां पर बोला गया कि आप करेंसी को ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, मान के चलो आपके पास पैसों की कमी है आप तो करेंसी छाप दोगे और कहोगे लो पैसों की कमी पूरी होगी, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम करेंसी छापते हैं तो उसके इक्विवेलेंट जो गोल्ड होता है वो आरबीआई अपने पास रख लेती है और जितने वैल्यू की गोल्ड एक्सट्रैक्ट की इकोनॉमी से उतने बराबर की वो करेंसी वहां पर डिप्लॉय कर देती है। लेकिन अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा करेंसी छाप दी तो इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो जाएगी। तो तीसरे वेरिएंट के अंदर क्या बोला गया कि हम यहां पर एक ऐसा अरेंजमेंट निकालेंगे मनी सप्लाई का जिसमें इकोनॉमी के अंदर हम डायरेक्टली मनी सप्लाई जो फॉरेक्स की है वो यहां पर क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। मतलब हम नोट वगैरह छाप के भी अपने पास क्या करेंगे, अपने खर्चों को एक लिमिट तक बढ़ने से रोक देंगे। अगर हमारे पास नोट्स होंगे, करेंसी होंगी तो ऑब्वियसली अतः डेफिसिट हमारा कम होगा, लेकिन वो नोट इस तरीके से छापने चाहिए कि इकोनॉमी को उससे कोई दिक्कत ना हो और हाइपर इन्फ्लेशन जिस सिचुएशन देखने के लिए ना मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, 1984 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, पहला ऐसा स्टेप उठाया था जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया कि कल को अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई से पैसा ले सकती है और आरबीआई से किसके थ्रू लेगी, एडहॉक ट्रेजरी बिल के थ्रू लेगी। मैं आपको बता दूं आपने ये नाम कई बार सुना होगा ट्रेजरी बिल का। तो देखो ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पैसों की जरूरत है तो वो क्या करती है, पब्लिक को कहती है कि तुम हमें पैसा दो। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली बोलेगी तो पब्लिक लोग ये नहीं सोचे भाई गवर्नमेंट इतनी नली नाला है कि हमसे पैसा मांग रही है। तो ये क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक होती है जैसे हमारी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, ये आरबीआई को बोलती है तुम हमारे बिहाफ पे पब्लिक से पैसा लो। यानी आरबीआई पब्लिक से पैसा लोगी और बदले में इनको क्या देगी, बिल देगी। और इसी बिल को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। और फिर जब पैसा इनके पास आता है तो ये किसको दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। तो अब ये बोला गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक लिमिट तक वो आरबीआई से भी पैसा बोरो कर सकती है, वो भी ट्रेजरी बिल के हिसाब से, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां लिखा है, ये रहा, ठीक है। इन 1994 इंडिया ने क्या किया, इन 1994 इंडिया ने सबसे पहले स्टेप ये उठाया कि फिस्कल डेफिसिट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने
फॉर्मली एक एग्रीमेंट किया आरबीआई के साथ और एक लिमिट तक उसमें बोरो करने शुरू कर दिए, उसके बदले एडहॉक ट्रेजरी बिल देने शुरू किए। स्टार्टिंग में ये 6000 करोड़ का ट्रेजरी बिल इशू किया था 1994 से 1995 में। खैर आपको ये याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास कई सारे एक्ट आने शुरू हो गए, उसके तहत अब हमने क्या किया, ट्रेजरी बिल वाला थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन रियलिटी में आज भी गवर्नमेंट को जब भी पैसों की जरूरत होती है वो सीधा किसकी तरफ देखती है, सेंट्रल बैंक की तरफ। और इनको देखने के बाद क्या होता है, जो पैसों की कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज फिस्कल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। ठीक है, चलो अब एक आता है हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। अभी क्या होता है आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क ये बताता है कि जब भी आप गवर्नमेंट बजट बना रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट बजट बनाते टाइम आप ये तो बताओ कि आप जो बजट बना रहे हो इससे फाइनली आउटपुट क्या निकला। पता चला आपने गवर्नमेंट बजट तो बहुत बढ़िया बनाया कि हम देखो इन इन जगहों से पैसा कलेक्ट करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन क्या साल के आखिर में आपकी रिपोर्टिंग करें या ना करें। जैसे मैंने बोला कि भाई आज सुबह मैं एक अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ कि आज पूरे दिन मैं क्या करूँगा, अगर रात को बैठ के मैंने उसको ये चेक नहीं किया, क्या मैंने वो चीज़ें की नहीं की, तो क्या वो टाइम टेबल किसी काम का रहा? ऊपर से मैंने अपने पास अपना टाइम वगैरह भी वेस्ट कर दिया। तो जब भी आप गवर्नमेंट बजट बनाते हो तो ये ज़रूर देखा करो कि जब भी आप गवर्नमेंट बजट बनाओ तो साल के आखिर में क्या जो जो चीज़ें आपने सोची थी क्या वो हुई हैं, और अगर नहीं हुई तो उसका क्या रीज़न है, आप ये रीजन पब्लिक को बताओ। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। यानी जितना आप आउटपुट डाल रहे हो क्या आउटकम उतना निकल भी रहा है? मतलब मैं पूरे 5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ लेकिन क्या उससे कोई रिजल्ट आ रहा है? यानी इस चीज को इंश्योर करना कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, उसी को बोलते हैं आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या लिखा है, इसमें इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए खर्चे वगैरह कर रहे हो, लेकिन क्या उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा पहुंच रहा है? और ये कंसेप्ट 1960 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि जो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब कि जब भी आप बजट बनाते हो उसमें जितना आप एलोकेशन करते हो तो ये देखो स्क्रूटनी करो क्या उस एलोकेशन को करने की जरूरत है। मान लो एजुकेशन सेक्टर में क्या 10,000 करोड़ की जरूरत है भी या नहीं है, आप चेक करो क्या उसमें वाकई जरूरत है, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। और इस बजटिंग के अनुसार हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो बजट हमने बनाया क्या उससे वो आउटकम निकल के भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और इसके चलते हमने एक डेमो ऑफिस बनाया। सर डेमो मतलब DEMO, डी फॉर डेवलपमेंट, एम फॉर मॉनिटरिंग, ई फॉर इवेल्यूशन, ओ फॉर ऑफिस। DMO, डेमो नहीं बोलना चाहिए, DMEO बोलना चाहिए, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस बनाया, जो ये इवेल्युएट करेगी कि कितना आपने आउटपुट डाला और कितना उससे आउटकम निकला। कौन डिसाइड करेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, DMEO ये एक ऑफिस है जो डिसाइड करेगी कि आपने कितना आउटकम डाला और कितना आउटपुट मिला, कितना आउटपुट डाला और कितना आउटकम मिला। रिपीट करता हूँ, DMEO की फुल फॉर्म आप अपने बुक में लिख लो, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस ये डिसाइड करेगी। बोलो क्लियर है? ये ज्यादातर सुचारू रूप से ना 2017 के अंदर है, मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हाल ही के बजट के अंदर इसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट देख रही है कि किस तरह से डेवलपमेंट वगैरह करना है, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क निकाला। अब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था, DMEO ऑफिस खोला गया था, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस किया गया, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत काम करेगा, जिसको सिंस 2017 में सपोर्ट किया गया। ये गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है जो ये डिसाइड करेगी कि जो बजट में हमने चीजें लिखी क्या रियलिटी के अंदर ऐसा हुआ। सर नीति आयोग क्यों कर रही है, प्लानिंग कमीशन क्यों नहीं कर रही? तो आपको याद होगा हमने प्लानिंग कमीशन में पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन को बंद करके हमने नीति आयोग किया, क्योंकि मोदी सरकार ने देखा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कुछ ज्यादा ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के कामों में अड़ंगी डाल रही है और अपने लेवल को बढ़ा रही है। तो उसके लेवल को रिड्यूस करने के लिए, उसकी गाइडलाइंस को रिड्यूस करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, मैंने कई बार इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी और बहुत लोग मुझे इसका सही सही आंसर दे देते हैं। नेशनल चलो मैं आप ही के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, दोबारा मुझे बताओ नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें याद हो जाएंगी, याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है कि ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, जिसके अंदर 40% पैसा जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट लगी। यानी ये जो स्कीम थी ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती थी। इसके अंदर क्या बोला गया, इसमें जो फ्रेमवर्क बनाया गया वो दो चीज़ों पर बेस्ड था। सबसे पहला वो इन्हांस करेगा डेवलपमेंट इम्पैक्ट को, और ये इम्प्रूव करेगा अकाउंटेबिलिटी को कि कौन इसका जवाबदेही होगा। इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताएगा, DMEO ऑफिस बताएगा। ठीक है, बस आपको इतने पढ़ने से ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मतलब ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, बस आपका क्लियर होगा। कुल मिला के आपने क्या सीखा,
बजट बनाते टाइम जो हमने बजट बनाया क्या रियलिटी में उसकी जो रिजल्ट है क्या वही आया जो हमने सोचा था, उसको कौन देखेगा? चेक करें, DMUA चेक करें, जिसके फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस, जो देखेगा आउटपुट कितना डाला और उससे आउटकम कितना निकला, और उसी का जो फ्रेमवर्क बनाएगा उसी बोलते हैं OOF, बोले तो आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आज की क्लास की जो मैंने आपको बोले थे दो टॉपिक करवाऊंगा, वो दो के दो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्योंकि वो कंप्लीट हो गए तो एक बार हम उस पर टिक कर दें, क्योंकि टिक लगाने में बहुत मजा आता है, लगता है कि हम बहुत मेहनत किया हमने, ठीक है। तो लिमिटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया और आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क भी हो गया। बोलो क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 18 में हम इतने टॉपिक, देखो चैप्टर नंबर 18 है हमारा, इतने टॉपिक हम अपने पास कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े बहुत बचे टॉपिक है ये और हम आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे टॉपिक बचे, बड़े बड़े सारे के सारे टॉपिक हमारे निपट गए हैं। बोलो क्लियर है? चलो, आई होप गाइस कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट में अपना जो भी डाउट हो वो लिख देना, मैं जब भी फ्री होगा आपको जरूर उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं आपके कोई डाउट होंगे, बट स्टिल अगर हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं, और कोई नई अपडेटेड चीज आती है या जो नोट्स होते हैं हमारे हैंड रिटन, वो सारे के सारे आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाता है। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस YouTube चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।